बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर। तो हम इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है उस पर बात कर रहे थे, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था लिटरेचर क्या होता है और क्यों हम उसको स्टडी करते हैं। और इसके साथ कुछ जो नया क्वेश्चन वो मिलाता है, या तो जेनर्स या टाइप्स ऑफ लिटरेचर मिला लेता है या एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर मिला लेता है। तो टाइप्स ऑफ लिटरेचर हमने डिस्कस कर ली थी, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी उसी क्वेश्चन का हिस्सा बन के आ सकता है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ओके जी, वो कहता है कि फॉलोइंग ग्लोसरी ऑफ टर्म्स इंक्लूड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट। वो कहता है नीचे जो मैंने दी है ना ग्लोसरी, यानी नीचे जो मैंने एलिमेंट्स दिए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं लिटरेचर के अंदर, जो लिटरेरी राइटर्स यूज़ करते हैं जब वो लिटरेरी पीस लिख रहे होते हैं, यानी लिटरेचर का कोई पीस लिख रहे होते हैं तो राइटर्स यूज़ करते हैं। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि राइटर्स यूज़ करते हैं तो हम क्यों पढ़ें उसको भाई। तो वो कहता है यू एज अ स्टूडेंट शुड ऑल्सो बी फेमिलियर विद दीज टर्म्स बिकॉज दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज अ पीस ऑफ लिटरेचर। वो कहता है कि आपको एज अ स्टूडेंट आपको भी पढ़ने चाहिए। क्यों पढ़ने चाहिए? क्योंकि अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो आपको लिटरेचर को समझने के लिए इन चीज़ों का पता होना चाहिए, इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, तो आप लिटरेचर को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वेदर इट इज़ अ पोएम, अ शॉर्ट स्टोरी, अ नावल, अ ड्रामा और अ प्रोज पीस, तो आप इनमें से कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, लिटरेचर की कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, पोइट्री पढ़ रहे हैं, स्टोरीज पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, ड्रामास देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों से वास्ता पड़ेगा, तो आप लोगों को ये हेल्प करेगा। ओके, कौन कौन से हैं मेन एलिमेंट्स? सबसे पहला एलिमेंट्स है सेटिंग, इसके बाद करेक्टर है, इसके बाद प्लॉट है, एंड देन है पॉइंट ऑफ व्यू, और सिंबॉलिज्म है, स्टाइल है, एंड लास्ट पे हमारे पास जो है वो थीम है। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, इनको हम लिटरेचर के मेन एलिमेंट्स कहते हैं, या मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स आप कह सकते हैं ऑफ लिटरेचर। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेटिंग की। पहला जो हमारा एलिमेंट है ना, वो है सेटिंग। अच्छा जी, सेटिंग नाम से जाहिर है, तरतीब को कहते हैं, किसी भी चीज़ की तरतीब। हम कहते हैं ना कि ये चीज़ हमने सेटिंग से रख दी है, यानी सेटिंग कर दी है, तरतीब लगा दी है। इफ़ यू टॉक अबाउट वेयर एंड व्हेन ऑफ द स्टोरी, वेयर एंड व्हेन ऑफ द स्टोरी, अगर आप किसी कहानी के वेयर और व्हेन के बारे में बात करते हैं, यानी कहाँ और कब। वेयर का मतलब है कि ये जो वाकया हुआ है ये कहाँ पेश आया, एंड व्हेन और ये कब पेश आया। तो वेयर एंड व्हेन के बारे में जब आप बात करते हैं, व्हाट यू आर रियली टॉकिंग अबाउट इज द स्टोरी सेटिंग, इस मतलब है आप स्टोरी की सेटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आप वेयर और व्हेन के बारे में बात करते हैं ना, किसी स्टोरी का कहाँ और कब, यानी स्टोरी कहाँ टेक प्लेस हुई और कब हुई, तो इसका मतलब है कि आप उसकी सेटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इट्स सेटिंग। अंडरस्टैंडिंग अ स्टोरी सेटिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट और सिचुएशन। अच्छा, कंटेक्स्ट कहते हैं सियाको सबाब, सियाको सबाक, जिन लोगों ने उर्दू पढ़ी हुई है उनको तो वास्ता पढ़ता रहा होगा इसका। सियाको सबाक कहते हैं कि जब कोई आप स्टोरी पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसका जो पस मंजर होता है, उसके उससे पहले कोई दो चार चीज़ें जो है ना उसके बारे में बताई जाती हैं, प्रीव्यू दिया जाता है एक, इससे पहले क्या चल रहा था, तो वो थोड़ा सा ना कंसेप्ट बंदे का बन जाता है। या सिचुएशन, सिचुएशन सूरत हाल को कहते हैं। तो वो कहता है कि अगर आप स्टोरी की सेटिंग को समझना चाहते हैं ना, इसका मतलब है कि आप स्टोरी के सियाको सबाक को या उसकी सिचुएशन को आप समझना चाह रहे हैं। वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, वो सिचुएशन जहाँ पे वो स्टोरी टेक्स प्लेस, यानी ये वेयर वाली बात आ गई। अच्छा, सेटिंग आल्सो गिव्स क्लूज अबाउट मूड और टेम्परेचर और एटमोसफेयर ऑफ द स्टोरी। अच्छा, ये सेटिंग जो है ना, ये आपको डिफरेंट क्लूज देती है। क्लूज का मतलब होता है इशारे, उसका मूड और एटमॉस्फेयर, उसका जो माहौल है, स्टोरी का जो माहौल है उसके बारे में आपको इशारात देती है। ठीक है, तो सेटिंग क्या है? जब आप व्हेन और वेयर के बारे में बात करते हैं किसी स्टोरी के, तो इसका मतलब है आप उस स्टोरी की सेटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। और अगर आपने सेटिंग को समझना है, तो इसका मतलब है आपने कंटेक्स्ट और सिचुएशन को समझना है। ठीक है, ये दो बातें इसमें बस हमने की हैं।
व्हेन और वेयर के बारे में जब बात करते हैं तो वो सेटिंग होती है, और सेटिंग जब हमने समझ नहीं है तो इसका मतलब है हमने उसका सियाको सबाक, कंटेक्स्ट और उसकी सिचुएशन समझनी है कि स्टोरी जो है ना वो कहाँ टेक प्लेस हुई। इसके बाद सेटिंग हमें कुछ क्ल्यूज भी देती है उस स्टोरी के एटमॉस्फेयर और मूड के बारे में, यानी स्टोरी का माहौल कैसा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने छोटी छोटी एग्जाम्पल्स लिखी हैं सेटिंग के बारे में। एट अ लेक, एक झील के ऊपर, ठीक है, एक झील में या तालाब में, तो ये एक सेटिंग है। इसके बाद वो कह रहा है कि इन द स्कूल, स्कूल में, इन आउटर स्पेस, बाहर की दुनिया में जो दूसरी स्पेस है, खला है, यानी जो खला है जहाँ पे बाकी सैयारे हैं और सितारे हैं वहाँ पे। अच्छा, इन द पास्ट, माजी में, इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में, ड्यूरिंग द डे, दिन में, तो ये सारी सिचुएशंस जो है ना ये सारी सेटिंग्स कहलाती हैं, यानी वेयर और व्हेन, वेयर और एंड व्हेन के बारे में जब हमने बात करनी है तो हमने सेटिंग के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे आपने देखा हमने यहाँ पे वेयर के बारे में बात की कि कहाँ पे या कब, इन द पास्ट, कब, इन द पास्ट, माजी में, इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में, और यहाँ पे हमने वेयर की बात की, एट अ लेक, इन द स्कूल, इन आउटर स्पेस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसका एलिमेंट है वो है करेक्टर। करेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, करदार, ठीक है। ओके जी, करेक्टर, अ करेक्टर इज अ पर्सन। करेक्टर एक आदमी हो सकता है, इंसान हो सकता है, एन एनिमल, कोई जानवर हो सकता है, और एन इमेजिनरी करेक्टर, या फिर वो कोई फर्जी किरदार हो सकता है, कोई ख्याली किरदार हो सकता है। दैट टेक्स पार्ट और प्लेज अ रोल इन द स्टोरी, जो टेक्स पार्ट, जो हिस्सा लेता है स्टोरी के अंदर, स्टोरी के अंदर हिस्सा लेता है या प्लेज अ रोल, या कोई किरदार अदा करता है स्टोरी के अंदर, कोई रोल जो है ना वो एक्ट करता है, कोई चीज परफॉर्म करता है, उसको हम करेक्टर बोलते हैं, या परफॉर्मर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये कोई बंदा हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, या कोई ख्याली किरदार हो सकता है जो स्टोरी के अंदर बराह रास्त हिस्सा लेता है और अपना किरदार अदा करता है स्टोरी के अंदर। समटाइम्स द ऑथर विल डायरेक्टली डिस्क्राइब अ करेक्टर्स अपीयरेंस। वो कहता है कभी कभी जो राइटर, आथर है ना, आथर राइटर कोई बोलते हैं, जो मुसन्निफ है, लिखने वाला स्टोरी का, तो वो कभी कभी उसकी शक्लो शबात, उसकी अपीयरेंस, उसकी जो बनावट है, तो या उसकी पर्सनैलिटी या उसके एहसास जो है ना वो आपसे डायरेक्टली बयान कर देता है, डायरेक्टली डिस्क्राइब, वो आपसे वजाहत कर देता है उस किरदार की जो पर्सनैलिटी है, उसकी शक्लो शबात है, उसकी जो एहसास हैं। अदर टाइम्स द ऑथर विल गिव यू क्लूज एंड एक्सपेक्ट यू टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट दैट द करेक्टर इज लाइक। अच्छा, वो कहता है बाज़ औक़ात वो क्या करता है, बाज़ औक़ात वो कुछ आपको इशारात दे देता है, कुछ क्लूज दे देता है, और आपसे तवक्को करता है, आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके बारे में नतीजा अखज़ करें। यू ड्रॉ कंक्लूजन, आप उसके बारे में, उस करेक्टर के बारे में नतीजा अखज़ करें कि वो किस किस्म का होगा, द करेक्टर इज लाइक, वो किस टाइप का है करेक्टर, वो कैसा करेक्टर है, कैसा किरदार है। एन ऑथर कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट बाय डिस्क्राइबिंग सेवरल एस्पेक्ट्स। अच्छा, वो कहता है कि वो इन एस्पेक्ट्स को ना बयान करके वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देता है, या तो वो उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स, फिजिकल अपेयरेंस या पर्सनैलिटी जो है उसको बयान करेगा, या फिर वो उसकी स्पीच बयान करेगा, स्पीच, बिहेवियर या एक्शन। स्पीच का मतलब है उसकी गुफ्तगू, उसकी गुफ्तगू, उसका रवैया, या उसके जो काम है, एक्शंस, वो आपसे बयान करेगा, या फिर उसके थॉट्स एंड फीलिंग्स बयान करेगा, वो उसके ख्यालात और तसव्वुरात आपसे बयान करेगा, उसके एहसास बयान करेगा, या फिर इंट्रैक्शंस विद अदर करेक्टर्स, या दूसरे जो किरदार हैं उनके साथ उसका जो इंट्रैक्शन है, तामल है, वो बयान करेगा आपसे। ठीक है जी, अब इस पैराग्राफ में आपने जो चीज़ याद रखनी है कि किरदार क्या होता है, किरदार एक इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, या कोई ख्याली किरदार हो सकता है जो कहानी के अंदर हिस्सा लेता है और कहानी के अंदर किरदार अदा करता है। ठीक है, और बाज़ औक़ात जो आथर होता है वो उसकी अपेयरेंस, पर्सनैलिटी और फीलिंग बयान कर देता है, बाज़ औक़ात वो कुछ क्ल्यू दे देता है उसके बारे में, और आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके बारे में कंक्लूजन ड्रा करें कि वो करेक्टर कैसा है, और फिर अगर वो आपसे वो एक्सप्लेन करे इसके बारे में, करेक्टर के बारे में, तो कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन करेगा, वो उसकी फिजिकल अपेयरेंस या पर्सनैलिटी करेगा, या स्पीच बिहेवियर करेगा, या थॉट्स एंड फीलिंग्स करेगा, या उसका दूसरे करेक्टर के साथ इंट्रैक्शन करेगा।
इसके बाद नीचे ये उसने लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा है, इसको आप छोड़ ही रहने दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओ सॉरी, नीचे भी लग गई लाइन यहाँ पे। ये प्लॉट है, ये नेक्स्ट टर्म जो है ना, नेक्स्ट एलिमेंट है वो है प्लॉट। अच्छा जी, प्लॉट इज द एक्शन ऑफ स्टोरी। प्लॉट स्टोरी का एक्शन होता है, ये स्टोरी का अमल होता है, कहानी का अमल होता है प्लॉट। इट इज़ द सीरीज ऑफ रिलेटेड इवेंट्स दैट द ऑथर डिस्क्राइब्स फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द स्टोरी टू द एंड। और यह क्या होता है, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है, सीरीज ऑफ रिलेटेड इवेंट्स होती है, यानी ये एक चेन होती है, एक सिलसिला होता है। किस चीज़ का? इवेंट्स का। ये वाक़ियात का एक सिलसिला होता है जो ऑथर या राइटर जो है ना वो डिस्क्राइब करता है, फ्राम द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के स्टार्ट से लेकर स्टोरी के एंड तक जितने भी हालात वाक़ियात राइटर बयान करता है ना, ऑथर बयान करता है, उन इवेंट्स की एक सीरीज होती है, इसको हम प्लॉट बोलते हैं। मोस्ट प्लॉट्स फॉलो अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ज़्यादातर प्लॉट जो है ना वो एक तारीखी तरतीब को फॉलो करते हैं, क्रोनोलॉजिकल कहते हैं, तारीखी ऑर्डर तरतीब को कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दे प्रोसीड इन ऑर्डर इन विच द इवेंट्स हैपन। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि वो इस अंदाज से आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड का मतलब है आगे बढ़ते हैं, जिसमें इवेंट्स अक्कर हो रहे होते हैं, इवेंट्स हैपन हो रहे होते हैं, कुछ वाक़यात जो है ना वो पेश आ रहे होते हैं, तो इस तरतीब से आगे बढ़ते हैं। देर आर डिफरेंट स्टेजेज इन अ प्लॉट। प्लॉट के अंदर फिर मुख्तलिफ स्टेजेज हो सकती हैं। और प्लॉट बेसिकली क्या है, ये एक्शन ऑफ द स्टोरी है, ये स्टोरी का अमल है, जो स्टोरी में काम होता है, जो इवेंट्स अक्कर होते हैं, उन इवेंट्स की ये एक चेन है, ये एक सीरीज है, जो ऑथर हमें स्टोरी के बिगनिंग से लेकर स्टार्ट से लेकर एंड तक हमें जो बताता है ऑथर, जो भी इवेंट्स जो बताता है उसकी सीरीज है, उसको हम प्लॉट बोलते हैं। ठीक है, बस ये बातें इसमें याद रखनी है। और फिर इसके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, इसके मुख्तलिफ मराइल होते हैं प्लॉट के। सबसे पहला जो इसका मरला है ना वो है एक्सपोजिशन। और एक्सपोजिशन क्या होती है, एक्सपोजिशन नुमाइश को कहते हैं। दिस इज द वेयर स्टोरी बिगिंस, और ये वो पॉइंट होता है जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। ठीक है, उस पहले मरले को जहाँ से स्टोरी जो है ना वो स्टार्ट लेती है, उसको हम एक्सपोजिशन बोलते हैं, यानी ये नुमाइश है, यहाँ से स्टार्ट हुई है स्टोरी। एट दिस स्टेज द करेक्टर एंड द सेटिंग्स आर इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पर करेक्टर्स और सेटिंग्स के बारे में बताया जाता है, यानी सेटिंग्स हमने पढ़ा क्या होती हैं, वो हालात वाक़यात होते हैं, मतलब वेन एंड वेयर, यानी स्टोरी की सिचुएशन के बारे में बताया जाता है सेटिंग के अंदर। तो सेटिंग इसमें डिस्क्राइब होती है, और इसमें करेक्टर्स को बयान किया जाता है, मतलब उस स्टोरी में कौन कौन से करेक्टर्स हैं और उनके क्या क्या, मतलब उन करेक्टर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है कि फलां करेक्टर कैसा है, फलां कैसा है, उसकी जहरी शेप कितनी है, एज कितनी है, उसके खदो खाल कैसे हैं, वो सारी चीज़ें बयान की जाती हैं। और सेटिंग बयान की जाती है कि स्टोरी कहाँ पे या इवेंट जो है वो कहाँ पे अक्कर हुआ है। तो ये बेसिकली एक्सपोजिशन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी आर इंट्रोड्यूस टू मेन कन्फ्लिक्ट, मेन प्रॉब्लम, इसको छोड़ें, मेन चीज़ आप इसका आइडिया याद रखें कि एक्सपोजिशन क्या है, ये स्टोरी का स्टार्ट है, इट इज़ द बिगनिंग ऑफ स्टोरी, या इट इज़ वेयर द स्टोरी बिगिंस। और इस स्टेज पर करेक्टर्स और सेटिंग्स को बयान किया जाता है। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है मुतारफ करवाया जाता है, यानी आपको उनसे पहचान करवाई जाती है, करेक्टर से और सेटिंग से आपकी। इसके बाद दूसरा जो इसका है स्टेज, दूसरी प्लॉट की, वो है राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन का मतलब है बढ़ती हुई कार्रवाई या बढ़ता हुआ अमल, बढ़ता हुआ काम। एट दिस स्टेज द स्टोरी बिगिंस टू डिवेलप। इस स्टेज पर, इस मरले पर स्टोरी जो है ना वो डेवलप होती है, यानी यहाँ से कहानी स्टार्ट लेती है, कहानी असल में यहाँ से स्टार्ट होती है। पिछले मरले में एक्सपोजिशन में तो थोड़ा सा कहानी का बैकग्राउंड बताया जाएगा या उसकी सेटिंग के बारे में बताया जाएगा कि वो कहाँ और कब वाकया हो रही है और उसके किरदार बताए जाएंगे, असल कहानी यहाँ से राइजिंग एक्शन से, ये मरला जो है ना यहाँ से कहानी स्टार्ट लेती है, यानी जो स्टोरी है ना वो बताना शुरू होता है राइटर के, स्टोरी असल में क्या है। तो बेसिकली द कन्फ्लिक्ट्स बिकम प्रोमिनेंट। यहाँ पे इस स्टेज पर, इस जो प्लॉट की ये स्टेज है, यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स बिकम प्रोमिनेंट, यानी यहाँ पे झगड़े जो है ना वो नुमाया होते हैं। द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रीडर्स बिल्ड। यहाँ पे जो रीडर्स हैं, जो कारीन हैं, जो पढ़ने वाले हैं स्टोरी को, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, एंड दे टेक इंटरेस्ट इन द स्टोरी, और फिर यहाँ से उनका इंटरेस्ट जो है ना वो स्टोरी के अंदर स्टार्ट होता है। ठीक है, ये दूसरा मरला है।
तीसरा है फिर क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टोरी के अंदर। दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी का एक मोड़ होता है, यानी यहाँ से स्टोरी टर्न लेती है। आप किसी और सेंस में स्टोरी को देखते आ रहे होते हैं, लेकिन वहां से यकदम अचानक क्लाइमेक्स आता है, वहां से स्टोरी जो है ना वो एक अहम मोड़ ले जाती है। आपने अक्सर मूवीज या ड्रामास में देखा होगा। अब जहर बात है, मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कि जिसने कभी ड्रामा या कोई मूवी ना देखी होगी, कोई एक होगा शाज़ नज़र कहीं पे, लेकिन ज्यादातर जो 100 में से 90% लोग होते हैं वो उन्होंने कोई ना कोई किसी ने मूवी देखी या किसी ने कोई ड्रामा वगैरह देखा होता है। तो आपने अक्सर उनमें देखा होगा कि मूवी जो है ना बिल्कुल उसके सेंटर पे इंटरवल पे जाकर या कहीं पे ना एक बड़ा अहम मोड़ आता है। मतलब एक फनी इंटरटेनमेंट वाली मूवी आप देख रहे होते हैं, बिल्कुल एक जगह पे जाकर वो बिल्कुल ना सैड हो जाती है, तो उसको असल में क्लाइमेक्स बोलते हैं। या आपने अक्सर ड्रामा देखे हैं, ड्रामा के जब एपिसोड चलते हैं तो जब एपिसोड बिल्कुल लास्ट पे पहुंचता है ना, एक एपिसोड जो है उसका एंड हो रहा होता है, तो एंड पे बिल्कुल एक लाइन वो ऐसी दे देते हैं, एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हैं ना कि जो देखने वाला होता है, जो व्यूअर होता है, उनका बिल्कुल क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाती है, वो कहता है कि अब पता नहीं अगले लम्हे क्या होगा, अब पता नहीं इससे आगे क्या होने वाला है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट होता है, इसको क्लाइमेक्स बोलते हैं। यूजुअली द मेन कैरेक्टर कम्स फेस टू फेस विद अ कॉन्फ्लिक्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली विल चेंज इन सम वे। अच्छा, इसमें वो स्टोरी वाली बात कर रहा है कि आमतौर पर क्या होता है कि किरदार एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, यानी एक किरदार है वो कहीं पे झूठ मूठ से रह रहा होता है लेकिन उनको पता नहीं होता, तो वो क्लाइमेक्स में जाकर ना उनको पता चल जाता है या उनको कोई क्ल्यू मिल जाता है या वो आमने सामने आ जाते हैं, तो इस तरह की वो बात कर रहा है। ये बेसिकली उसी की असल में इसकी डेफिनेशन इतनी ही है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है स्टोरी का। अच्छा, किसी झगड़े के साथ वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली विल चेंज इन सम वे, या किसी तरह चेंज भी हो सकता है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे स्टोरी जो है ना वो टर्न ले जाती है। इसके बाद है फॉलिंग एक्शन। अच्छा जी, फॉलिंग एक्शन गिरता हुआ मतलब खत्म होता हुआ अमल। तो ऑल लूज एंड्स ऑफ द प्लॉट आर टाइड अप, तो जो ढीले सिरे होते हैं ना प्लॉट के, उन सब को बांध दिया जाता है। टाइड अप का मतलब है बांध दिया जाता है, मतलब एट दिस स्टेज कन्फ्लिक्ट्स एंड क्लाइमेक्स आर टेकन केयर ऑफ। तो इसमें कन्फ्लिक्ट्स की जो झगड़े हैं, जो लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, या जो क्लाइमेक्स है उसका ख्याल रखा जाता है। उस हिसाब से ना मतलब स्टोरी को वाइंड अप की तरफ लेकर जाया जाता है। और फाइनली रेजोल्यूशन, द स्टोरी कम्स टू अ रीजनेबल एंडिंग। रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं, रेजोल्यूशन आपने पढ़ी होगी उसमें सोशल स्टडीज में, तो रेजोल्यूशन करारदाद को बोलते हैं ना। तो यहाँ पे इस करारदाद का मतलब क्या है प्लॉट की सेंस में, कि ये वो मरला है जहाँ पे स्टोरी जो है ना वो एक रीजनेबल एंडिंग को पहुँचती है, एक माकूल इख्तिताम को पहुँचती है, यहाँ पे स्टोरी जो है ना वो एंड हो जाती है। तो ये थे इसके प्लॉट के आगे मजीद मरले। तो बेसिकली हम प्लॉट को स्टडी कर रहे थे, प्लॉट क्या है, ये एक एलिमेंट ऑफ लिटरेचर है और इसके आगे मजीद मराइल हैं। पहला इसका मरला है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन हमने पढ़ लिया कि यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। इसके बाद राइजिंग एक्शन है। अच्छा, इस स्टार्ट में हमने क्या कहा कि इसमें स्टोरी का वेयर एंड वेन जो है इसकी सेटिंग बयान की जाती है और करेक्टर बयान किए जाते हैं। फिर राइजिंग एक्शन है, इसमें स्टोरी की प्रोग्रेस है, स्टोरी डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स जो है ना ये क्रूशियल मोमेंट है, ये टर्निंग पॉइंट है स्टोरी का, ठीक है। इसके बाद फॉलिंग एक्शन है। फॉलिंग एक्शन में सारे जो लूज है ना एंड्स, उनको टाइड अप किया जाता है, उनको बांध दिया जाता है। कमिंग क्लोजर टू द एंड, यानी एंड के नज़दीक लाया जाता है, और इसमें क्लाइमेक्स का ख्याल रखा जाता है और कन्फ्लिक्ट्स का ख्याल रखा जाता है। इसके बाद रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन इज द एंड ऑफ स्टोरी, यहाँ पे हम एक रीजनेबल एंडिंग पर पहुँचते हैं। नेक्स्ट जो एलिमेंट ऑफ लिटरेचर है वो है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू को अक्सर आपने ये जो टिकटॉक पे सोशल मीडिया पे आप अक्सर वीडियोस वगैरह देखते हैं, उस पे POV लिखा होता है, उसका मतलब भी वही होता है, पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ता नज़र, आपका अपना नुक्ता नज़र क्या है। दिस रेफर्स टू स्पीकर, नरेटर, पर्सन और वॉइस,
created by the author to tell a story. और ये क्या होता है, ये कोई स्पीकर होता है, कोई बोलने वाला, मुकर्रर आप कह सकते हैं, तकरीर करने वाला, या नरेटर होता है, बयान करने वाला, या पर्सन, कोई पर्सन हो सकता है, इंसान हो सकता है, या कोई वॉइस, कोई आवाज़ हो सकती है. क्रिएटेड बाय द ऑथर टू टेल द स्टोरी, जो स्टोरी सुनाने के लिए ऑथर यूज़ करता है, स्टोरी का जो राइटर है ना, लिखने वाला, बनाने वाला, वो जिस आवाज़ को, जिस स्पीकर को, किसी नरेटर को, किसी पर्सन को जो यूज़ करता है ना, उसको पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं. द स्टोरी इज टोल्ड बाय द नरेटर और पर्सन और करेक्टर. तो कहानी जो है ना, वो रावी, नरेटर को रावी भी हम बोलते हैं, बयान करने वाला या रवायत करने वाला, ये भी आप कह सकते हैं. तो नरेटर या कोई पर्सन या कोई करेक्टर जो है ना, ये कहानी हमें बताता है. द नरेटर और करेक्टर कैन बी स्पीक इन द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. तो नरेटर्स जो होते हैं ना, या जो करेक्टर्स होते हैं, वो फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू में भी बोलते हैं या थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू में. अच्छा, जो कहानी सुना रहा होता है, फर्स्ट पर्सन में वो आई या वुई यूज़ करेगा. आई वुई फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई का मतलब मैं और वुई का मतलब हम. और इसी तरह थर्ड पर्सन में ही, शी, दे मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं. ही का मतलब भी वो है, वो मर्द के लिए ही यूज़ होता है, और शी वो औरत के लिए यूज़ होता है, दे जो है ना वो ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है. इसमें मर्द भी आ सकते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा मर्द हों तो भी दे लगा सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा औरतें हों तो भी दे लगा सकते हैं, या औरतें और मर्द इकट्ठे हों फिर भी दे लगा सकते हैं. लेकिन ही सिंगल मेल के लिए लगता है और शी सिंगल फीमेल के लिए लगता है. आई और वुई जो हैं वो फर्स्ट पर्सन है, तो यू जो है ना वो सेकंड पर्सन है. यू, तुम, आप के लिए यू लगता है. तो बेसिकली फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के अंदर जो है ना वो नरेटर यूज करता है पॉइंट ऑफ व्यू को. ओके जी, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट ऑफ लिटरेचर है वो है सिम्बॉलिज्म. अ सिंबल इज ऑफन एन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट. सिम्बॉलिज्म सिंबल से निकला है, अलामत, अलामतें जो है ना वो यूज़ की जाती हैं लिटरेचर के अंदर. अ सिंबल इज ऑफन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट. सिंबल वो कहता है कि अक्सर एक आम ऑब्जेक्ट हो सकती है, कोई आम चीज़ हो सकती है, कोई वाकया हो सकती है, कोई बंदा हो सकती है, कोई एनिमल हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है. टू विच वी अटैच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग्स एंड सिग्निफिकेंस, जिसकी गैर मामूली मानी होते हैं या उसकी अहमियत होती है, यानी जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और उसके गैर मामूली मानी होते हैं. गैर मामूली मानी का मतलब ये है कि उसके गहरे मीनिंग होते हैं, गहरा उसका मतलब होता है, मतलब उसके आम मीनिंग नहीं होते जिस तरह आम दूसरे वर्ड्स के होते हैं. सिंबल्स अलाउ राइटर्स टू सजेस्ट लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मीनिंग्स दैट अ सिंपल लिटरल स्टेटमेंट कुड नेवर कन्वे. तो वो कहता है कि जो सिंबल होती है ना, सिंबल इसको अलामत भी बोल सकते हैं, इशारा भी बोल सकते हैं. तो अलामत एक ऐसी चीज़ है जो राइटर यूज़ करता है, जिसमें वो लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मीनिंग्स, जिसमें वो मानी जो होते हैं ना उनकी तहें बयान कर सकता है उस एक सिंबल के ज़रिए. दैट अ सिंपल लिटरल स्टेटमेंट, जो एक सादा स्टेटमेंट जो है ना, वो एक सादा फिक्रा जो है ना, उसका मैसेज कभी भी नहीं कन्वे कर सकता जहाँ पर वो सिंबल यूज़ करता है, जितने मीनिंग वो उससे कन्वे कर सकता है. मतलब ये है ना कि जो चीज़ वो समझाना चाह रहा है, असल में जो चीज़ बताना चाह रहा है राइटर, तो वो एक सादा फिक्रा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकता है. तो वो कहता है कि वो सादा फिक्रा कभी भी नहीं उस जगह पर पहुँच सकता, या वो बात कभी भी नहीं वो कन्वे कर सकता जो राइटर करना चाह रहा है. तो उसके मुकाबले में अगर उसमें कोई वो सिंबल यूज़ कर लेता है, तो वो लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मीनिंग्स आपको बता सकता है. वो कहते हैं कि अ सिंबल इज लाइक अ पेबल कास्ट इनटू अ पाउंड. सिंबल एक कंकर की तरह है, एक कंकर या पत्थर की तरह है जो किसी तालाब के अंदर गिराया जाता है, फेंका जाता है. और आपने देखा होगा जब किसी तालाब में कोई पत्थर या कोई कंकर फेंकते हैं तो क्या होता है, इट सेंड्स आउट एवर वाइडनिंग रिपल्स ऑफ मीनिंग. तो ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल ये तालाब है कोई, तो इसके अंदर आपने ना कोई पत्थर फेंका है, तो जहाँ पे पत्थर गिरेगा तो पत्थर ना उसके आसपास ऐसे रिपल्स बनाएगा, इस तरह की ना लेयर्स बनती हैं, वेव्स जनरेट होती हैं और आगे वो फैलती जाती हैं. मतलब यहाँ पे पत्थर गिरा है ना, तो इधर भी ऐसे करके वेव्स जो है ना आपको
फैलती हुई नजर आएंगी और इस साइड पे भी ऐसे चलती हुई वेव्स आपको नजर आएंगी, रिपल्स जो है ना वो इस तरह बिल्कुल गोल बन रही होती हैं ऐसे करके। तो वो यहाँ पे आपको समझा रहा है कि ये जो सिंबल है ना वो इसी तरह है जिस तरह आप किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं ना तो उस वो रिपल्स सेंड करता है, तो आप उन रिपल्स को यूं कह सकते हैं कि सिंबल जब आपने यूज़ किया है तो वो रिपल्स मीनिंग की होंगी, यानी इस तरह मीनिंग्स जो हैं इसके होते हैं सिंबल के। अच्छा, यहाँ तक सिंबल के मुतलक जो इंफॉर्मेशन है ना वो काफ़ी है। इसके बाद नीचे वो लिखता है थोड़ी सी चीज़, इसको भी वैसे आपके समझने के लिए पढ़ा रहा हूँ तो ये इसको समझ लीजिएगा। समटाइम्स वो कहता है कि हमें हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते सिंबल को, सिंबल मीनिंग्स को, बट इफ इट इज पावरफुल एंड वेल चूजन अ सिंबल विल स्पीक फोर्सफुली टू आवर इमोशंस एंड टू आवर इमेजिनेशन। वो कहता है कि बाज़ुकात हम सिंबल को समझ नहीं सकते, लेकिन अगर सिंबल पावरफुल हो और अच्छी चूज की गई हो सिंबल, तो सिंबल जो है ना वो ज़बरदस्ती भी हमारे जो एहसासात हैं उनको और जो हमारी इमेजिनेशन है हमारा ख्याल जो है उसको सेटिस्फाई कर सकती है। अच्छा, ये लाइंस आप ना भी लिखें तो खैर है। इसके बाद ये चीज़ जो है ना ये एग्जांपल के तौर पर उसने बताई है, ये भी आप जेहन में रख लीजिएगा। एक आध एग्जांपल आपने इसमें से देनी है बस, सारी को रटे नहीं लगाने। वैसे मैं आपको ये समझा देता हूँ। वो कहता है फ्लैग जो है ना, फ्लैग अगर हम यूज़ करें सिंबल के तौर पर तो फ्लैग किसकी अलामत है? ये नेशनल आइडेंटिटी एंड पेट्रोटिज्म की अलामत है। झंडा जो होता है ना हम देखते हैं कि ये आपकी कौमी शख्सियत होती है, कौमी तशख्स और आपकी हुबुल वतनी जो है ना उसकी अलामत है। जहाँ पे भी ये होगा जहरी बात है। अब जिस बंदे ने झंडा जो है परचम फ्लैग अपने जेब पर लगाया होगा, बैज जो है अपने लिबास पे लगाया होगा, तो उसका मतलब यही है ना कि इसको पेट्रोटिज्म है, इसको मुल्क के साथ वतन के साथ मोहब्बत है। या उसकी शनाख्त होगा आपके आईडी कार्ड पे बना होगा तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का झंडा है तो आप पाकिस्तानी हैं, या आपकी शनाख्त है या आपकी हुब्बुल वतनी है। इसके बाद है अ पिक्चर ऑफ स्कल एंड क्रॉस बोन्स टू सिंबलाइज पॉइजन एंड डेंजर। आपने एक स्कल किसी खोपड़ी की आपने तस्वीर देखी होगी, या क्रॉस बोन या कोई हड्डी है उसके ऊपर क्रॉस लगा होता है, तो ये वाली जो अलामतें हैं, ये वाली जो सिंबल्स हैं, ये जहर की और डेंजर की, खतरे की सिंबल है। जहाँ पे ये होगी सिंबल इसका मतलब है वहाँ पे खतरा है या वहाँ पे पॉइजन है, जहर है। इसी तरह रेड रोज जो लाल फ्लावर है, गुलाब है, फूल है, एज अ सिंबल ऑफ लव, मोहब्बत की अलामत है। इसी तरह अक्राउन सिंबल लॉयल्टी, रॉयल्टी जो ताज होता है, ताज ये वाला जो ताज है इसकी सिंबल जो है क्राउन सिंबलाइजेज रॉयल्टी। रॉयल्टी कहते हैं रॉयल होना, रॉयल शाही, मतलब ये शाहाना तर्ज अमल को जाहिर करती है, उसकी सिंबल है। इसके बाद एन ओलिव ब्रांच सिंबलाइजेज पीस, एक जैतून की शाख जो है ना वो अमन की अलामत है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ये वैसे आपको समझाने के लिए पेपर में आप इसमें एक आध जो आपको याद रह जाएगी ये स्कल वाली लिख दीजिएगा और फ्लैग वाली लिख दीजिएगा, बस इतनी काफ़ी है। वेल, तो सिंबल क्या होती है? ये एक आम ऑब्जेक्ट हो सकता है, इवेंट हो सकता है, पर्सन या एनिमल हो सकता है, जिसके सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीनिंग और सिग्निफिकेंस होती है। और बाज़ुकात सिंबल जो है ना वो इतना कुछ हमें एक्सप्लेन कर जाती है जितना एक सिंपल स्टेटमेंट, एक लिटरल या सिंपल स्टेटमेंट नहीं कर सकती। और इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप किसी पॉन्ड के अंदर कोई कंकर या कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो जैसे रिपल्स बनाता है ना, इस तरह ये हमें इंफॉर्मेशन देती है। और फिर इसकी एग्जांपल्स में फ्लैग है, फ्लैग नेशनैलिटी और पेट्रोटिज्म की अलामत है, स्कल जो है वो पॉइजन या डेंजर की अलामत। ओके जी, नेक्स्ट जो एलिमेंट ऑफ लिटरेचर है वो है स्टाइल। स्टाइल अंदाज को कहते हैं। स्टाइल इज़ द चॉइस ऑफ वर्ड। स्टाइल जो है ना ये अल्फाज का इंतखाब होता है, या फिगर्स ऑफ स्पीच, या ये स्पीच के आदाद शुमार जो है ना उनका इंतखाब है। दैट राइटर्स यूज टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, जो राइटर्स अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, बयान करने के लिए यूज़ करते हैं ना वर्ड्स या फिगर्स, तो उनकी चॉइस है, उनका इंतखाब जो है ना वो स्टाइल कहलाता है। अब कैसे? इट्स हाउ दे से समथिंग, नॉट व्हाट दे से। वो कहता है कि इसमें हम ये नहीं देखते कि वो क्या कह रहे हैं, व्हाट दे से वो क्या कह रहे हैं इससे गरज नहीं है, ये इसमें हम ये देखते हैं कि हाउ दे से वो किस तरह बयान कर रहे हैं, जो कुछ भी बयान कर रहे हैं वो किस अंदाज से बयान कर रहे हैं उसको हम स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, द वे राइटर्स असेंबल वर्ड्स टू टेल स्टोरी, डिवेल्प आर्ग्यूमेंट, ड्रामाटाइज द प्ले, कंपोज द पोएम इज व्हाट वी कॉल स्टाइल।
अच्छा, इसमें वो कहता है कि राइटर जो है ना वो किस तरह अल्फाज का चुनाव करता है, किस तरह अल्फाज को असेंबल करता है, जोड़ता है कोई आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए या किसी प्ले को ड्रामाटाइज करने के लिए या कोई पोइम जो है ना वो कंपोज वगैरह करने के लिए। तो आपने देखा होगा कोई स्टोरी बाज स्टोरीज जो है ना वो एक नरेटर आपको बयान कर रहा होता है स्टोरी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही होती है। अब वही स्टोरी आप सेम स्टोरी किसी और बंदे से सुनते हैं और वो इस अंदाज से आपको सुनाता है कि आपको वही स्टोरी जो है ना उसमें दिलचस्पी पैदा हो जाती है या आप शौक से उसको सुनते हैं। तो ये होता है स्टाइल, यानी वो उसने आप उसका स्टाइल जो है ना, पहला जो है उसका स्टाइल अच्छा नहीं था, आपको स्टोरी अच्छी नहीं लगी, दूसरा बंदा जो है उसने अपने स्टाइल से सुनाई है, उसने स्टाइल चेंज कर दिया, अंदाज बदल गया है, तो आपको वही स्टोरी इंटरेस्टिंग लगनी शुरू हो गई है। तो बेसिकली स्टाइल क्या है, अंदाज क्या है, ये वर्ड्स का चुनाव है, वर्ड्स की चॉइस है, या फिगर्स ऑफ स्पीच या जो उसमें यूज होते हैं ना सारी चीजें लिटरेचर के अंदर, उनकी चॉइस है जिनको यूज करके राइटर जो है वो अपने आइडियाज हमें एक्सप्रेस करता है। और इसमें हम ये नहीं देखते कि वो क्या बयान कर रहा है, व्हाट दे से, इसमें हम ये देखते हैं कि हाउ दे से, उन्होंने किस तरह बयान किया है। तो इसमें तीन मेन चीजें जो होती हैं स्टाइल के अंदर, स्टाइल में वर्ड चॉइस है, अल्फाज का इंतखाब है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है एंड लेंथ, सेंटेंस की लेंथ है और स्ट्रक्चर है, यानी फिकरा जो है ना उसका उसकी साख्त क्या है, किस किस्म का फिकरा है और उसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है। और इसके बाद लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो फिगर्स ऑफ स्पीच है ना वो हैं, या फिगरेटिव लैंग्वेज है, सिंबल्स हैं, डायलॉग्स हैं, या इमेजरी है, ये डिफरेंट जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो उसने कैसे यूज की हैं, सिंबल्स को उसने कैसे यूज किया, डायलॉग्स उसने कैसे कैसे यूज किए हैं। तो ये जो राइटर है ना उसकी काबिलियत होती है कि वो किस तरह स्टाइल अपनाता है। ओके, ये था अंदाज स्टाइल स्टोरी का क्या होता है, यानी ये चॉइस ऑफ वर्ड्स होती है, इसमें हम वर्ड्स की चॉइस करते हैं और क्या बयान कर रहे हैं ये इसमें नहीं देखा जाता, कैसे बयान किया जा रहा है ये देखा जाता है। तो इसमें मेन जो तीन चीजें हैं, वर्ड चॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, लेंथ और लिटरेरी डिवाइसेस जो है ये इंपॉर्टेंट है कि राइटर उसको किस तरह यूज करता है। और राइटर का जो स्टाइल है वो सीरियस भी हो सकता है, फनी भी हो सकता है, एंड सो ऑन, बहुत तरह की जो है ना वो स्टाइल वो अपना सकता है। ओके जी, नेक्स्ट और लास्ट जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ लिटरेचर है वो है थीम। थीम मेन जो मरकजी ख्याल है उसको कहते हैं, या खुलासा आप कह सकते हैं, मरकजी ख्याल, अ राइटर्स मैसेज, ये मुसन्निफ का मैसेज हो सकता है, पैगाम हो सकता है, और मेन पॉइंट या उसका जो मरकजी नुक्ता है ना वो होता है, इज द थीम ऑफ द लिटरेरी वर्क, इसको हम थीम बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद इसको छोड़ें, यहाँ पे आ जाएं, इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसिडर द मीनिंग द मॉरल एंड द थीम ऑफ वट यू हैव रीड। वो कहता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो कुछ पढ़ा है ना उसके मीनिंग्स, उसका मॉरल, उसका अखलाकी सबक जो है, एंड द थीम, और उसकी जो थीम है उसका मरकजी जो ख्याल है उसका आपको पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट टू कंसिडर दैट, कि आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि आपने जो पढ़ा है उसका मतलब क्या है, उसका अखलाकी सबक क्या है, उसके जो मरकजी ख्याल है वो क्या है। और थीम कैन बी फाउंड इन एनी ऑफ दीज, इन इन में से किसी में भी थीम जो है ना वो आपको मिल सकती है। डायरेक्ट स्टेटमेंट बाय द राइटर्स वॉइस, ये जो राइटर है ना लिखने वाला लिखारी है उसकी बराह रास्त आवाज़ से भी थीम जो है वो बयान की जा सकती है, या डायरेक्ट स्टेटमेंट बाय द फर्स्ट पर्सन स्पीकर, या फिर वो डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन के बयान की फॉर्म में हो सकती है थीम, या ड्रामेटिक स्टेटमेंट्स बाय द करेक्टर्स, या फिर वो किरदारों के लिहाज से करेक्टर्स के लिहाज से ड्रामाई स्टेटमेंट हो सकती है, कोई कोई ड्रामाई बयान हो सकता है। वेदर यू आर द रीडर आर द राइटर, अ ग्रेट स्टोरी इंक्लूड्स ऑल दीज लिटरेरी एलिमेंट्स। वो कहता है कि अगर आप कोई रीडर हैं, चाहे आप कोई राइटर हैं, आप कोई लिखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं किसी स्टोरी को, अ ग्रेट स्टोरी, एक जो अजीम स्टोरी, एक अच्छी जो स्टोरी होती है, इंक्लूड्स ऑल दीज लिटरेरी एलिमेंट्स, उसमें ये तमाम लिटरेरी एलिमेंट्स होते हैं जो हम डिस्कस करके आ चुके हैं। ओके जी, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन जो है ना वो एंड हो जाता है लिटरेरी एलिमेंट्स वाला। रीड द शॉर्ट एक्सट्रैक्ट एंड देन डिसाइड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेटिंग्स, व्हाट टाइम ऑफ द डे।
अच्छा ये इसमें से ना, ये जो हमने पढ़ा है इसमें से आपका क्विज लेना चाह रहा है। वो कहता है कि ये नीचे वाला जो पैरा है ना, इसको आप पढ़ें और इसमें से एक्सट्रैक्ट करें कि आपने क्या पढ़ा है। आपने एक सेटिंग के बारे में पढ़ा है और इसमें सेटिंग्स देखें, सेटिंग क्या होती है, उसमें व्हेन एंड वेयर आप पढ़ते हैं ना कि कब और कहाँ। तो वो कहता है कि कब वाली स्टेटमेंट जो है ना वो मुझे बयान करें, व्हाट द टाइम। इसमें से आप गैस करके बताएं कि टाइम कौन सा था, ये जो सिचुएशन है इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और इसमें से टाइम गैस करें। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली हमारा जो इस लेक्चर का टास्क था वो ये था कि हमने एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर जो है ना वो डिस्कस करना था। तो ये वाले सारे एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर जो है ना हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी इसकी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, या लिटरेरी जो फिगरेटिव डिवाइसेस हैं या फिगर्स ऑफ स्पीच हैं इनको डिस्कस करेंगे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।